मैक्सिकन फूड की कुछ रेसिपीज सिखाने के लिए हमारे साथ हैं शेफ सुरेश फ्रॉम मौर्य शेरेटन होटल न्यू दिल्ली. हेलो शेफ. हाय. वेलकम टू द शो. तो मैक्सिकन फूड में हमें सबसे पहली रेसिपी आप कौन सी सिखाएंगे? आज हम आपको सबसे पहले पेपर एंड चीज एंचिलाडास बनाना सिखाएंगे. ठीक है. इसके लिए हम सबसे पहले सॉस बनाएंगे. ये वेजिटेबल ऑयल. अच्छा. प्याज बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे. प्याज डालेंगे तो इसमें ऑयल जो है बहुत थोड़ा सा ही डल रहा है. अच्छा. थोड़ा सा लहसुन बारीक कटा हुआ. अच्छा. सौते करेंगे. सौते करेंगे. अच्छे भूनेंगे कुछ देर. अब हम इसमें एक तेजपत्ता डालेंगे. अच्छा. तो हल्का सा भूनने के बाद इसमें हम ब्लांच टमाटर डालेंगे. ब्लांच यानी कि छीला हुआ. इसका छीला और इसका बीज और बीज भी साफ कर दो. अच्छा. शेफ, हम लोग ज्यादातर ये सोचते हैं कि जो तेज पत्ता जैसी चीज है वो हिंदुस्तानी खाने में डलती है. नहीं, ये हिंदुस्तान में बाहर के खानों में ऐसे प्रयोग करते हैं. ओके. थोड़ा सा पकाएंगे. अच्छे टमाटर का जो हमने जूस जो छान के रखा हुआ है. अच्छा. उसको डालेंगे. अच्छा. तो टमाटर का जूस में अलग से क्यों डालते हैं? टमाटर में जो अपना जूस होता है वो ही क्यों नहीं यूज करते? इसी टमाटर का जूस है. अच्छा. इसका सीड निकाला था. अच्छा. इसे स्ट्रेन करके तो छान के रखा. अच्छा. तो खाने में टमाटर के सीड ना आए इसलिए आप उसका जूस छान कर अलग से डालते हैं. अलग से प्रयोग करते हैं. अच्छा. इसमें वाइट पेपर. अच्छा. सफेद गोल मिर्च. नमक. अच्छा. काली मिर्च. अच्छा. काली मिर्च कुटी हुई है. मोटी कुटी हुई है. मोटी क्रश इसको बोलते हैं. अच्छा. तो सफेद गोल मिर्च और काली गोल मिर्च दोनों डलती हैं इसमें. इससे थोड़ा क्रिस्पनेस इसको बोलते हैं. क्रंची टेस्ट आता है. क्रंची टेस्ट आता है काली मिर्च से. अच्छा. और सफेद गोल मिर्च से कैसा टेस्ट आता है? उसका थोड़ा माइल्ड टेस्ट है. माइल्ड कम टेस्ट. बिल्कुल हल्का होगा, तेज नहीं होगा. अच्छा. थोड़ा सा इसमें हरा मिर्च डालेंगे. कुछरा हरा मिर्च. अच्छा. बारीक कटा हुआ धनिया. अच्छा. तो लास्ट में आखिर में प्याज और शिमला मिर्ची के छोटे छोटे क्यूब्स किए हैं. अच्छा. आपने इसमें प्याज पहले भी बारीक कटी हुई डाली थी और फिर दोबारा से डाल रहे हैं शिमला मिर्च के साथ. ये बाद में क्यूब्स डाले हैं किसी गार्निश के लिए, उसके लुक्स के लिए, अच्छा दिखने के लिए, अच्छा कलर के लिए. ये सॉस मैंने आपको बनाने का तरीका बता दिया. तो ये सॉस मैंने पहले से बनाया हुआ है. अच्छा. ये आपने पहले से बना कर रखा हुआ है. अच्छा. तो इसे बनने में कितनी देर लगती है? इसको बनने में 20 मिनट. 20 मिनट. तो ये इसी तरह खोल कर पकाया जाता है कि ढक कर पकाते हैं? तो 20 मिनट के बाद इस तरीके का सॉस तैयार हो जाता है. तो अब हम ये यूज करेंगे. तो शेफ, अब अगला स्टेप क्या होगा? अब हम इसके बाद रोटी बनाएंगे. रोटी बनाने के लिए ये डो मैंने बना के रखा हुआ है. ये मैदे का है? ये मैदे का डो है. अच्छा. इसमें मैदा है, मक्खन और दूध पड़ता है. अच्छा. पानी से नहीं भूनते? ठीक है. तो छोटा सा लेंगे. अच्छा. जो हम घर में रोटी बनाते हैं उसकी डोई जो है उसका 1/4 हिस्सा. 1/4 हिस्सा लेंगे. अच्छा. वही तरीके से रोटी बनाएंगे. अच्छा. थोड़ा सा सूखा मैदा भी रखेंगे. मैदे को डस्ट करेंगे. अच्छा. ताकि चिपके ना. चिपके ना. तो जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब सेकेंगे. गर्म होने के बाद इसमें आप कुछ घी या मक्खन कोई डाल दें? सूखा इसको देखना पड़ेगा. तो ये तो बहुत पतली है, इसे जल्दी सिक जाती होगी. देखिए रोटी पक गई. दूसरी तरह से
जब ये थोड़ी थोड़ी फूलने लगती है उसके बाद आप उसको टर्न कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारी तैयार हुई। अच्छा, ऐसे इसे हम चार रोटियां बनाएंगे। अच्छा, रोटी पहले बना के लाए हूँ, चार रोटी। अच्छा, चार रोटी। अच्छा, ये पतली पतली रोटियां आपने बना कर रखी हैं। रोटी तैयार होने के बाद अगला स्टेप क्या होगा? अब हम इसके लिए स्टफिंग बनाएंगे। अच्छा, स्टफिंग के लिए ये बंधा हुआ दही से मतलब है कि इसको टांग कर रखते हैं। इसको टांग के रखना पड़ता है। अच्छा, पतले कपड़े हैं। कितनी देर के लिए? 2-3 घंटे, ताकि सारा पानी निकल जाए। अच्छा, और हमें इसका दही बंधा हुआ चाहिए। अच्छा, ये बंधा हुआ दही, पनीर के क्यूब्स। अच्छा, छोटे छोटे क्यूब्स हैं। एक प्लस पेपरकॉर्न। अच्छा, ब्लैक काली मिर्ची काली गोल मिर्ची, नमक। अच्छा, हरा धनिया, कटा हुआ धनिया, बारीक कटा हुआ, जैसा कि आपने सॉस में डाला था। काली मिर्ची, कुकरी। आपने हरी मिर्ची दो बार डाली सॉस में भी और इस मिक्सचर में भी डाली है, और काली गोल मिर्च डाली है, सफेद गोल मिर्च भी डाली है, तो क्या मैक्सिकन फूड स्पाइसी होता है? हाँ, मैक्सिकन फूड स्पाइसी होता है। अच्छा, इंडियन फूड जैसा है, जैसे इंडियन फूड में हम ज्यादा मिर्च मसाले खाते हैं। जी हाँ, मैक्सिकन फूड में स्पाइस ज्यादा होता है। अच्छा, अभी आपका स्टफिंग तैयार हो गया। अब जो हमने रोटियां बनाई थी इसको मैं इसको स्टफ करेंगे। स्टफिंग में थोड़ी सी टंगी हुई दही है, पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स हैं, हरी मिर्ची है, नमक है, धनिया है और काली मिर्च। ठीक है, काली मिर्ची पाउडर है। पाउडर करेंगे। अच्छा, तो प्लेट है, प्लेट में लगा देंगे। दूसरा रोल भी स्टफिंग जो है आप थोड़ा सा किनारे पर रखते हैं और उसे बारीकी से फोल्ड कर देते हैं। शेफ, आप ये रोल्स को क्या दोबारा बेक करेंगे या कुक करेंगे? क्योंकि आपने ये रोटी जो है कच्ची छोड़ी थी आधी, तो दोबारा बेक करेंगे। बेक करेंगे। अच्छा, इसे भी कच्चा बन के दूर। अच्छा, तो ये भी हाफ कुक है। अच्छा, तो क्रीम डालेंगे। अच्छा, क्रीम को इसके ऊपर क्रीम पोर करेंगे। तो ये क्रीम जो है ज्यादा गाढ़ी नहीं है, लिक्विड ही है। क्रीम को पोर करते हैं, फिर उसके ऊपर चीज डालेंगे। ग्रेट करावा चीज। अच्छा, फिर उसके ऊपर डालेंगे। शेफ, इसमें आपने कौन सा चीज डाला? तो हमने शेदार चीज डाला। तो शेदार चीज जो है कुकिंग के लिए यूज होती है, अनलाइक प्रोसेस चीज। ओके, अब हम इसको बेक करेंगे। ठीक है, तो शेफ, ओवन में टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री। अच्छा, और कितनी देर के लिए? जब तक चीज पिघल रहा है। अच्छा, तो ये तैयार है, इसे यहाँ रख देते हैं। अब आप इस पे ये सॉस डालेंगे मेरा ख्याल से। स्लाइस करेंगे। ये ऑलिव जो स्टफ है आपके पास? अच्छा, स्लाइस करेंगे। तो ये बाजार में इसी तरह से मिलता है? स्टफ ऑलिव नहीं, आपको प्लेन ऑलिव भी मिल जाएंगे विदाउट स्टफ। अच्छा, पर स्टफ चूज करें तो अच्छा होगा। ब्लैक कलर में आपको ऑलिव मिल जाएंगे। अच्छा, ऑलिव लगा दिया स्टफ पर। ये हमने सलाद काट के रखा हुआ है। अच्छा, उसमें इसके में गाजर, शिमला मिर्ची, खीरा और टमाटर। अच्छा, इसको एक साइड में डाल देंगे। वेरी नाइस, आपको ये डिश खाने के लिए तैयार है। थैंक यू सो मच शेफ फॉर दिस मेक्सिकन डिश। पेपर इन चीज एनचिलाडास बनाने के लिए आपको चाहिए, फॉर द साल्सा सॉस तेल 50 ग्राम, कटी प्याज 2 टीस्पून, कड़ा लहसुन 1 टीस्पून, तेजपत्ता 1, ब्लांच टमाटर 1, एक टमाटर का रस, सफेद मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च आधा टीस्पून, कटी हरी मिर्च 1 टीस्पून, हरा धनिया 1 टीस्पून, प्याज और शिमला मिर्च के क्यूब्स। फॉर द टॉर्टिलास दूध व मक्खन में गूंधा हुआ मैदा। फॉर द स्टफिंग टंगी हुई दही 50 ग्राम, पनीर 100 ग्राम, काली मिर्च आधा टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पत्ता 1 टीस्पून, हरी मिर्च 1 टीस्पून, क्रीम 20 मिलीलीटर, शेडर चीज 20 ग्राम, स्टफ्ड ऑलिव्स और सलाद गार्निश के लिए। एक पैन में तेल गर्म करें और प्याज व लहसुन को सौते करें, तेज पत्ता भी डाल दें, फिर ब्लांच टमाटर और उसका रस और सारे मसाले डालें।
फिर धनिया, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और प्याज की क्यूब्स डाले और 5 से 10 मिनट तक पकाएं। मैदे को दूध व मक्खन में गूंथ लें, छोटी छोटी रोटी बेलें और तवे पर आधा पका लें। पनीर की स्टफिंग बनाएं, इसे रोटी में भरकर रोल करें। एक डिश में रखें, क्रीम व शेडर चीज डालें। ओवन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर चीज मेल्ट होने तक पकाएं। साल्सा सॉस और सैलेड के साथ सर्व करें। तो शेफ, अब दूसरी रेसिपी कौन सी सिखाएंगे? अब हम आपको चिकन फजीता बनाना सिखाएंगे। That sounds exotic. आप चिकन का मिक्सर बनाएंगे। ठीक है। चलें। थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल। Just about 1 teaspoon. बारीक कटा हुआ चिकन। शेफ, इसमें सिर्फ ब्रेस्ट पीस ही यूज़ करते हैं? क्या, हमने ब्रेस्ट पीस। अच्छा, ऐसा क्यों? ब्रेस्ट पीस बस सॉफ्ट होता है, कुकने। अच्छा। पकने में आसान रहता है। उसके हिलाते रहिए, अच्छे पक ना जाए। अच्छा। सब साइड से पक जाए। इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। जूलियन किया हुआ ये भी? जूलियन किया हुआ शिमला मिर्च, जूलियन किया हुआ प्याज, मशरूम के स्लाइसेस। अच्छा, ये कच्चा मशरूम है, बॉइल तो नहीं है? कच्चा मशरूम है। अच्छा। तो मशरूम का हमेशा धो के यूज करना है। हाइजीन पर्पस के लिए। थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें, थोड़ा सा काली मिर्च कूटा हुआ, आधी कुटी हुई है ये, आधी कुटी हुई। अब इसे कितनी देर तक पकाएंगे? 5 मिनट पकने के बाद। अच्छा, खोलकर ही पकाते हैं इसे? इसे खोलकर ही पकाना पड़ता है। अच्छा, तो रातों से हमें ध्यान रखें कि चिकन अलग अलग होना चाहिए। अच्छा, पीसेस जो है चिपकने नहीं चाहिए। हमने पहले से बनाया हुआ सॉस, आधा सॉस लेके हम इसमें चिकन में डालेंगे, आधा सॉस। अच्छा। सॉस में बनाया था कि आधी क्वांटिटी आप इसमें डालेंगे। अभी आपका चिकन तैयार है। अब इसको रोटी के अंदर सर्व करेंगे। अच्छा। ये रोटी पहले से बना के, तो ये भी उसी तरीके से है जैसे आपने पहली रेसिपी के लिए बनाई थी? पहली रेसिपी में वही रोटी। ये रोटी इसमें फर्क कितना है, थोड़ा बड़ा रोटी। अच्छा। पहले और इसमें छोटा रोटी था। ठीक है, साइज में डिफरेंस है सर? रोटी को हम ऐसे लेंगे, इसको हाफ के हाफ शेप में। अच्छा। इसको समोसे की तरह, समोसा बनाते हैं, इजी समोसा बनाना है। अच्छा। स्पून चम्मच से। तो ये स्टफिंग गरम गरम इसमें डाल देंगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने पहले आधा फोल्ड किया, फिर दोबारा से फोल्ड किया और फिर इस तरह से हो गया। एकदम ऊपर तक इसको स्टफ कर देंगे। इसके लिए प्लेट। इसका चिकन फ्रंट साइड में है। सो इट्स लाइक एन ओपन नॉन वेजिटेरियन समोसा। ओके। समोसा कुक फॉर चिकन। इस ढंग से हम इसको अरेंज कर लेंगे। अच्छा, इसके लिए भी गहरी प्लेट होनी चाहिए? इसके लिए गहरी प्लेट की जरूरत नहीं। अच्छा। कोई सा भी घर में प्लेट यूज कर सकते हैं। अच्छा। ये रख लेंगे इसको, दिखने में अच्छा लगे। इसके ऊपर हम चीज, इसमें भी शेदार चीज डाल दें। अच्छा। अब इसे आप बेक करेंगे? बेक करेंगे। कितनी देर के लिए बेक करेंगे? जब तक कि चीज मेल्ट ना हो जाए? नहीं, चीज मेल्ट नहीं होती है, इसके हल्का सा इसमें कलर आया है चीज में। मालिनी लगता है, डिश तैयार है।
I'm looking forward to see it. अब हम इसको बाहर निकालेंगे. ठीक है. सॉस जो हमने बनाया था जी वही सॉस इसको नहीं उसके लिए हम ये लेडी स्लीव सलाद पत्ता इसको बोलते हैं सलाद पत्ता यहाँ रख सकते हैं इसमें अच्छा ये सलाद हमने काटा हुआ है सारा जूलियन सलाद है इसमें रेड कैबेज ग्रीन कैबेज शिमला मिर्ची और गाजर अच्छा इधर रखेंगे और यहाँ पे डिश खाने लिए तीनों तैयार Thank you so much, Chef, for these lovely Mexican recipes. Fajitas banane ke liye aapko chahiye. Tel 50 gram, boneless chicken 100 gram, shimla mirch 20 gram, pyaaz 10 gram, mushroom 20 gram, namak swad anusar. Safed mirch powder swad anusar, maide se bani do choti roti, cheddar cheese 20 gram, salsa sauce 50 gram, salad patta va salad garnish ke liye. Ek pan mein tel garam karke chicken, shimla mirch, pyaaz va mushroom fry kare. Namak va safed mirch dale, golden brown hone tak pakaye aur salsa sauce dal de. रोटी को समोसे की शेप देकर उसमें चिकन की स्टफिंग भरें, चीज डालकर अवन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर चीज के लाइट ब्राउन होने तक बेक करें। साल्सा सॉस, सलाद पत्ता व सलाद के साथ सर्व कर दें। और अब सेलिब्रिटी टेस्ट। इस सेगमेंट में द रसोई शो के व्यूअर्स लुत्फ लेते हैं सेलिब्रिटीज के टेस्ट का जो अपनी सारी मसरूफियत के बावजूद राजी खुशी अपने खाने के टेस्ट शेयर करते हैं आपके साथ और आज हम मालविका तिवारी के इस खूबसूरत टेरेस गार्डन में हैं। मालविका से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे ये एक मशहूर मॉडल रह चुकी हैं, एक्ट्रेस और टेलीविजन प्रोग्राम्स की एंकर पर्सन थी बट दिस इज नॉट ऑल शी इज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर ये स्टेन ग्लास का भी काम करती हैं, जो इन्होंने अमेरिका में सीखा और आज मालविका एक्टिंग नहीं करेंगी ये सचमुच रसोई शो के व्यूअर्स को अपनी एक मनपसंद रेसिपी देंगी हेलो मालविका वेलकम टू द शो तो आप हमारे व्यूअर्स को कौन सी रेसिपी सिखाएंगे मालवी हमारी दोनों रेसिपीज आज की बहुत सिंपल हैं बनाने में आसान और जल्दी भी बन जाती हैं दैट्स द वे आई लाइक टू कुक सो आई एम डूइंग अ ट्यूना फिश डिप व्हिच वी सर्व विद एन असॉर्टेड स्लाइस या स्लाइस वेजेस एंड लेटर बाद में हम मशरूम्स के कैसे स्नैक्स में एक अलग तरीका दिखाएंगे ओके दैट्स वेरी नाइस कि आप हमें दो चीज़ सिखा रही हैं तो शुरू करते हैं एब्सोल्युटली यहाँ पे हमने एक कैन टूना फिश लिया है तो उसको पूरा ले लेते हैं बोल में डाला फॉलो इट विद अनियन लेते हैं वाइट अनियन ज़्यादा अच्छा रहता है जिससे कि उसका रंग अफेक्ट नहीं करे पूरे को इसमें हमने एक छोटा प्याज लिया है जो हरा प्याज होता है उसका जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है हाँ जी ये एक छोटा टमाटर है अच्छा इसको भी महीन काट लिया है उसका भी अभी हम सिर्फ आधा लेंगे सेलरी लीजिए सिर्फ उसके डंडे महीन डंडे जो टेंडर स्टिक्स हैं अच्छा उनको कुछ काट लीजिए और अब हम कुछ चीटिंग वाली रेसिपीज बताएंगे दिस इज जस्ट मेयोनीज स्ट्रेट आउट ऑफ द जार अच्छा सो टेक अराउंड टू लार्ज टेबल स्पून ऑफ दैट दिस इज टाटर सॉस स्ट्रेट आउट ऑफ द जार एक चुटकी नमक अच्छा स्वाद के अनुसार हाँ और काली मिर्च कुछ काली मिर्च मुझे लहसुन बहुत पसंद है अच्छा सो व्हाट वी डू वी जस्ट टेक लाइक टू पॉड्स ऑफ अब इसको हम मिक्स कर लेंगे टूना फिश को हम एकदम मैश कर लेते हैं अच्छा इसका पल्प मत कर दीजिए कि मैश पोटैटोज की तरह नहीं हो जाए अच्छा अगर आपको चाहिए आप थोड़ा सा टबास्को डाल सकते हैं इससे एक इट्स अ नाइस जिंगी फ्लेवर ओके और एक जैसे कैप फुल वाइट विनेगर अच्छा इसको आपने अच्छे से मिला दिया दिस इज नॉर्मली सर्व कोल्ड मामूली ओके इसके इसको हम अब इसके साथ सर्व करेंगे ओके यहाँ पे हमने गाजर मूली और फिर से सेलरी ली है अच्छा ब्रोकली इज जस्ट टू गार्निश इट दैट इज So what I'll do is just to add a little bit of color to it. We bung some of the tomato on it. और यहाँ पे हमने celery leaves को dice कर लिया है बहुत महीन. अच्छा. Okay, so just dice that. Okay. So that's the tuna dip ready. That's right. Since you're being so generous, so should we move over to the next recipe? Okay. I don't have a name for this. I just call it mushrooms, tangy mushrooms. Okay. Because they're nice and sour. एक non-stick pan ले लीजिए. मुझे इस रेसिपी में ऑलिव ऑयल पसंद है ऑलिव ऑयल हैज अ नाइस फ्लेवर दैट्स राइट मशरूम्स को हमेशा
वाइप करना चाहिए, अच्छा, इनको वॉश नहीं करते हैं। ओके, यहाँ पे हमने दो पैकेट मशरूम लिए हैं, तो इनको ले लिया और कुछ देर तक तेज आंच में हमने इनको डाल दिया। ओके, देन व्हाट आई एम गोना डू, फिर से सिरका, अभी के लिए हम इसमें दो कैप्सूल डालेंगे विनेगर या सोडा, कुछ स्पाइसेस हैं इसमें, हम ओरेगानो, ये क्रश्ड रेड पेपर है, अच्छा, जैसे कैप्सिकम होता है वैसे लाल क्रश्ड रेड पेपर का है, पापरिका विच इज द सेम थिंग क्रश्ड पाएंगे, इसमें हम लेंगे एक या डेढ़ नींबू का रस, उनको लहसुन बहुत अच्छा लगता है, जैसा कि आपने पहली रेसिपी में बताया, थोड़ा सा काला है, काली मिर्च, नमक अपने पसंद से, अब इसको अब आप टॉस कर दीजिए, और मशरूम्स को कभी भी ज़्यादा कुक नहीं करते हैं क्योंकि टेंडर होता है, वो टेंडर होता है, और आई थिंक इट्स ओके, सो व्हाट वी डू इज वी जस्ट ले इट ऑन स्ट्रेट ऑन अ प्लेटर और इसको फिर टूथपिक्स के साथ यू कैन स्टिक वन टूथपिक इन टू एवरी मशरूम एंड देन दैट्स रेडी। Thank you so much for these wonderful and really quick recipes. I hope all of you enjoy that. Thanks. Bye. आपको हमारा आज का मेक्सिकन फूड का एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में जरूर लिखिए। Talking about international food, हमारे पास एक खत आया है प्रिया का नागपुर से। लिखती है कि कुछ ही दिनों पहले ये पेरिस गई थी एंड शी फेल इन लव विद द प्लेस एंड द फूड देयर। इन्होंने फरमाइश की है कि हम फ्रेंच फूड रसोई शो में जरूर दिखाएं। तो आज से कुछ ही एपिसोड के बाद फ्रेंच फूड फॉर प्रिया एंड फॉर ऑल ऑफ यू, सो लुक आउट। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते।